ये लगाई छलांग, ये खाया गोता और आ गई हाथ में मछलियां। चौंक गए ना इस शख्स को बिना जाल के यूं मछलियां पकड़ता देखकर। गोता लगाकर हाथ और मुंह में मछलियां पकड़ने में महारत रखने वाले इस युवक का नाम सुघर निषाद है, जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले हैं। नहीं तो मैं नदी में जैसे दोस्तों के साथ में आता रहा, नहाता भी रहा यहाँ पे, लेकिन उसी तरह से मछली पकड़ना भी सीखा तुम पानी में। हमीरपुर से बहने वाली यमुना नदी में भले ही मछुआरों के जाल में मछली ना आए, लेकिन सुघर ने अगर गोता लगाया है तो उनके हाथ में मछलियाँ आना तय है। इसी वजह से आसपास के लोग इन्हें अब फिशरमैन के नाम से बुलाने लगे हैं। कोई नाव से कहीं पुल से कूद गया, कोई गिर गया, कोई डूब गया, तो बुलाते हैं इसी को निकालने के लिए। पुलिस वाले हो कोई भी हो, इन्हें बुलाते हैं, जाके निकालते हैं, मदद करते हैं सभी की। कोई आजू बाजू कोई गांव में है ही नहीं इनके पास, किसके ऐसे पकड़ने वाला न रुकने वाला कोई। बचपन से ही ये अनोखा करतब दिखाने वाले सुघर को अगर तैराकी की पेशेवर ट्रेनिंग मिल जाए तो न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश को एक होनहार तैराक मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से विनीत तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।